नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एनपी ग्रुप में। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं, जेवर एयरपोर्ट पर अहम बैठक है आज। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, आज जेवर एयरपोर्ट पर अहम बैठक करेंगे। तो दोस्तों उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन आया है, इस पर यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ये बेल आइकन का बटन दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे आप इसको दबा दें। उससे दोस्तों मेरी जो भी नई वीडियो आएगी, जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है, नोएडा एयरपोर्ट पर लखनऊ में अहम बैठक आज, सीएम खुद करेंगे प्रगति की समीक्षा और तय हो सकती है शिलान्यास की तिथि। तो दोस्तों आज यहाँ पे शिलान्यास की तिथि तय हो सकती है। तो इसको पूरी वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए मेरी को, तभी समझ में आएगा। और देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, ग्रेटर नोएडा जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के निर्माण जल्द शुरू करने के लिए आज मुख्यमंत्री खुद लखनऊ में समीक्षा करेंगे और इसमें सभी संबंधित विभागों के अफसर हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एयरपोर्ट के शिलान्यास की तिथि भी तय हो सकती है। तो दोस्तों आज देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट की जो शिलान्यास की तिथि है वो भी आज तय हो सकती है। जेवर में एयरपोर्ट की ज़मीन के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट की अब तक की प्रगति और आगामी कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को समीक्षा करेंगे, यानी कि दोस्तों आज इसमें समीक्षा करेंगे। और देखिए लिखा क्या है, लखनऊ में होने वाली इस बैठक में जनपद के डीएम बीएन सिंह और तीनों प्राधिकरणों के सीईओ को बुलाया गया है। इसमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, निर्माण कंपनी का चयन व कंपनी से होने वाले अनुबंध की प्रक्रिया आदि के बारे में प्रस्तुति देंगे। और देखिए जिला प्रशासन जमीन पर और रीड़ा बिड प्रक्रिया पर जानकारी देगा। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा नागरिक उड्डयन विभाग, भू विभाग, राजस्व विधि उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे। दोस्तों इसमें सभी शामिल होने वाले हैं और आज इसकी शिलान्यास की तिथि तय होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।